अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज चेक करें जी, हमने एक बच्चा पकड़ा है छोटा सा। हमारे घर पर जो दरख्त है उसके ऊपर ये घोंसला था कौवों का, तो वहाँ से ये बच्चा निकला है। हैरान कुन मैं आपको बात ये बताता हूँ कि ये कौवों का बच्चा नहीं है, लेकिन कौवे इसको पाल रहे थे। एक परिंदा है जिसको कोयल कहते हैं, वो इस कौवे के जो अंडे होते हैं उनको वो पी जाता है और वो अपने अंडे उस घोंसले में रख देता है। ठीक है, वो परिंदा जब उसके जो बच्चे निकल आते हैं तो वो इनको सिखाता रहता है, और इसको पालने वाले कौवे होते हैं और वो लेकर उड़ जाता है। तो उस कौवे ने, उस परिंदे ने अब भी इस बार कमाल दिखा दिया है। कौवे इस वक्त मेरे पीछे हैं क्योंकि ये जो परिंदा है ये नीचे गिरा था, तो हमने इसको बचाने के लिए हमने कहा कि इसको कहीं पर सेफ जगह पर रख देते हैं, क्योंकि इधर तो ना तो कौवे हमें कोई काम करने दे रहे हैं और ना ही वो कुछ ना ही वो खुद कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ घर वालों को भी वो तंग कर रहे हैं और हमें भी तंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपको हम परिंदा ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने इतनी मुश्किल से पकड़ा है। ये है जी हेलमेट। ये हेलमेट मैंने इसलिए लिया हुआ था क्योंकि कौवे हमारे सर पर वार करते हैं, वो जो बार बार आते हैं उड़ उड़ के और हमारे जो है सर पर वार करते हैं, तो इसलिए मैंने हेलमेट लगा के इसको पकड़ा है बड़ी ही मुश्किल के साथ। और अभी हम इसको सेफ जगह पर पहुँचाते हैं। बाकी आप ये परिंदा देख लें, आप बताएं आपके हिसाब से ये कौन सा है। मुझे तो ये कोयल का लगता है क्योंकि हमने काफ़ी पहले ये सुना भी था कि ये इस तरह से जो कोयल है वो दो नंबरी करती है। और कौवे बेवकूफ़ हैं वैसे तो, मतलब पूरी दुनिया में कौवों को बहुत ही होशियार चलाक समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर हम खुली फिजा में आ चुके हैं। कौवे चेक करें कि किस तरह से हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, और ये हमने उनका बच्चा जो कि असल में उनका है नहीं हमने पकड़ा हुआ है। तो ये चेक करें जी कैसे बेवकूफ है। हेलमेट चेक करें जी, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कैसे पहना हुआ है। हमने कहा कि अपना सर भी बचाना है और इसको भी सेफ जगह पर पहुंचाना है। ये हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर हम किसी सेफ जगह पर रख देते हैं। उधर भी दरख्त हैं और इधर, तो लेट्स सी कौवों की कौम किस तरह से इकट्ठी हो चुकी है। तो गाइस, कौवे के बच्चे को हमने सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। अब वो अपने माँ बाप के साथ रहेगा, खुराक शुराक खाएगा, तो इंशाल्लाह जो है वो बच जाएगा, पल जाएगा। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट में बताना कि मैंने सही किया या नहीं, क्योंकि हमारे घर पे जो दरख्त था ना वो ऊपर से गिरा था और नीचे ऊपर रखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने उसको बाहर जो है वो छोड़ दिया था। खैर, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।